खबर फरुखाबाद से है, जहां थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव कनासी में तरबूज फोड़ने से रोकने पर युवक को दबंगों ने गोली मारी। युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बता दें कि घायल युवक रात 11:30 बजे अपने खेत में तरबूजों की फसल की रखवाली कर रहा था। सवेरे बिक्री के लिए तैयार तरबूज से भरी ट्रैक्टर ट्राली खड़ी थी। उसी दौरान पड़ोसी गाँव नगला गुलरिया के 2 युवक खेत में घुस आए। उसके बाद युवक व उसका साथी ट्राली में रखे तरबूज खेत में फेंक कर फोड़ने लगे। युवक विकलों ने जब तरबूज फोड़ने का विरोध किया तो दबंगों ने उसे गाली गलौज कर पीट दिया। युवक के द्वारा शोर मचाने पर दबंग युवक ने तमंचे से फायर झोंक दिया, जिससे हाथ में युवक को गोली लगने से युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए युवक को CHC नवाबगंज में भर्ती कराया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल लोहिया युवक को रेफर किया। घायल के भाई ने गाँव नगला गुलरिया निवासी 2 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। क्या नाम है आपका? अचित। अचित, ये चाचा का लड़का है। चाचा का लड़का। क्या नाम है? बिकलो। बिकलो, क्या हो गया था रात में? रात में नगला गुलरिया के 2 लड़के तरबूज तोड़ने के लिए आए थे, तो वहीं पे इनका झगड़ा हुआ। उसने फायर कर दिया। फायर कर दिया, जो हाथ में गोली लगी है। हाथ में गोली लगी। नगला गुलरिया के कौन थे वो लोग? एक अर्पित का नाम है, एक दूसरा का नाम नहीं जानते। तरबूज तोड़ने का ही विवाद हुआ था। रात में लगभग कितने बजे? 11:30 बजे की लमसम घटना हुई। तो रात में थाने भी आए होंगे? हाँ, ऐसे साहब गए थे तो रात को पकड़ के लाए ना उनको, दोनों थाने में बंद है। अच्छा, दोनों बंद है। पोस्ट कनासी। क्या हो गया था मामला? हम खेत में थे, तरबूज के खेत में थे, तो अपनी खेत लगा रहे थे, तो ये लोग आते हमारे तरबूज को फोड़ा है। सर, तरबूज को फोड़ने के बाद में जब मना किया तो मना करने पे गाली गलौज किया। गाली गलौज करने पे फिर हमारी आता भाई उठने के बाद में फायर किया, भाई मेरे फायर लग गया। उसके बाद वो लोग भाग गए। वो लोग भाग गए। सूचना फिर हमने थाना अध्यक्ष को दिया। मौके पर पुलिस पहुंची? हाँ, मौके पर पुलिस पहुंची और इन दोनों लोगों को पकड़ के लिया। ठीक।